स्टूडेंट्स एक बहुत रिसेंट थेरी जेम्स यंग की थेरी है परफॉर्मिंग आर्ट्स की वेल्यूएशन के बारे में वो ये कहता है कि उसकी जो डेफिनेशन है परफॉर्मिंग आर्ट्स की वो ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट एज अफेक्टिव इलास्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड राइट परस्पेक्टिव टू अ सुटेबली क्वालिफाइड ऑडियंस अब इसके अंदर चार इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको रजिस्टर करना जरूरी है सबसे पहले वो बात कर रहा है अफेक्टिव इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन कि एक परफॉर्मिंग आर्ट जो होता है वो एक अफेक्टिव असर करने वाली इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कि आप एक सब्जेक्ट मैटर को एक खास तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको इलस्ट्रेट कर रहे हैं किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में या उसको किसी भी आ, तरह से उसकी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं जिसमें वो कंटेंट कम्युनिकेट हो सके और फिर उसका मकसद ये होता है कि उसमें राइट right परस्पेक्टिव दिखाया जा सके और एक सूटेबली क्वालिफाइड ऑडियंस उसके लिए जरूरी है तो इस डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इलास्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज उसके बाद राइट uh, परस्पेक्टिव right और फिर क्वालिफाइड ऑडियंस uh, इस थेरी के अंदर जो चार डिफरेंट प्रिंसिपल्स वो सजेस्ट करता है कि उनके अकॉर्डिंगली आपको एक परफॉर्मिंग आर्ट को इवेल्यूएट करना है उनको हम देख लेते हैं पहला जो है वो है कॉग्नेटिव वैल्यू प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्क ऑफ आर्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ एस्थेटिक वैल्यू कैन कंट्रीब्यूट इंपॉर्टेंटली टू द नॉलेज ऑफ एन ऑडियंस Uh, इस बात का मतलब यह कि एक वर्क ऑफ आर्ट जिसमें जो एस्थेटिक वैल्यू है जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो एक हायर uh, लेवल का है तो उससे uh, जो ऑडियंस का नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है एस्थेटिक्स uh, को वो किस तरह से नॉलेज की टर्म्स में देखता है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ब्यूटी के एस्पेक्ट्स हम डिटेल में जाके देखते हैं किसी चीज की आ, उसकी वजह से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है उसके बारे में तो अगर आपकी कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस है जिसमें किसी भी इमोशन की डेप्थ को एक्सप्लोर किया गया है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है तो उससे यह होगा कि उस इशू के बारे में उस इमोशन के बारे में आपका नॉलेज फंड भी इंक्रीज करेगा जिससे उस प्ले की कॉग्नेटिव वैल्यू बढ़ेगी जो दूसरा प्रिंसिपल है वो इंटरप्रेटेबिलिटी प्रिंसिपल है जिसमें वो कहता है कि आर्ट वर्कस हैव काग्नेटिव एंड स्थेटिक वैल्यू

अंदर जो प्लॉट है जो स्टोरी आप दिखा रहे हैं उसको इलस्ट्रेट इस तरह से नहीं किया गया कि वो कम्युनिकेट ना कर सके उसका समझना मुश्किल हो गया ऑडियंस के लिए तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा एक परफॉर्मेंस का एक अच्छी परफॉर्मेंस वो होगी जिसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर हो और ऑडियंस उसको राइटली इंटरप्रेट कर सके तीसरा प्रिंसिपल जो है वो सब्जेक्ट मैटर प्रिंसिपल है विच सजेस्ट दैट आर्ट डज नॉट नीड टू बी नेसेसरीली मॉरली राइट बट इट शुड टर्न अटेंशन टुवर्ड्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर दिस मीन्स दैट द मेयर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टें सब्जेक्ट मैटर कैन पुट थिंग्स ऑन ट्रैक आर्ट शुड प्रोवाइड द राइट परस्पेक्टिव ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर दिस uh, ये जो थेरी है उसमें इस प्रिंसिपल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक मॉरल मैसेज कन्वे करें एक आर्ट परफॉर्मेंस के थ्रू और उस पर एक राइट right पर्सपेक्टिव बताएं या डिक्टेट करें ऑडियंस को इतना ही काफी है कि आप एक इशू की तरफ ऑडियंस की अटेंशन को फोकस करवा दें जिससे ये होगा कि उसके बारे में जो इंसान है वो सोचना शुरू होगा और उसके बारे में कोई परस्पेक्टिव अडॉप्ट करेगा तो जो मेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इशू है वो इन इट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आप आर्ट के थ्रू कर सकते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप राइट right परस्पेक्टिव भी शेयर करें बल्कि उस चीज की आइडेंटिफिकेशन ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है uh, उसके बाद ओरिजनैलिटी प्रिंसिपल है विच होल्ड दैट आर्ट मस्ट सिंप्लीफाई पजलिंग इशूज थ्रू ओरिजिनल परस्पेक्टिव ऑन थिंग्स दिस ओरिजिनेलिटी इज इधेंशियल फॉर एस्टेबलिशिंग एन स्थेटिक वैल्यू ऑफ एन आर्टवर्क इसमें जो ऑथर का पॉइंट है वो ये है कि एक आर्ट वर्क को इस तरह से होना चाहिए कि उसमें आप किसी भी इशू को आ, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिजॉल्व करें किसी ओरिजिनल परस्पेक्टिव की मदद से जिसका मतलब यह है कि चीजों को नए तरीके से देखना भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और किसी प्ले की जो वैल्यू है किसी परफॉर्मिंग आर्ट की जो वैल्यू है वो इस एस्पेक्ट में भी है कि वो कितना ओरिजिनली डील करता है एक रिपीटेड प्रॉब्लम के साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ तो वो जो ओरिजिनलिटी है उसके अंदर उसकी बेसिस पे भी आप उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं तो ये जो चार प्रिंसिपल्स हैं कॉग्नेटिव वैल्यू इंटरप्रेटेबिलिटी सब्जेक्ट मैटर और फिर ओरिजिनलिटी इसकी बेसिस पे भी आप एक आर्टवर्क को जो परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक रखता है उसको वेल्यूएट कर सकते हैं आ, ये जो थेरी है ये लेटेस्ट है और इसके अंदर आ, आप इन तीनों थेरीज को आ, तीन लेंथ समझते हुए अप्लाई कर सकते हैं एक परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर और उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ दीज पॉस्टुलेट्स